दोस्तों, आपके पास मारुति का वैगनर गाड़ी है और उसका इंजन ओवरहीट हो रहा, तो एक बार उसका रेडिएटर फैन को आपको जरूर चेक करना चाहिए। इस वीडियो में हम रेडिएटर फैन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेडिएटर फैन कैसे काम करता है, कब काम करता है, और अगर रेडिएटर फैन खराब हो जाए और काम न करे तो इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। जब हम गाड़ी को नॉन एसी चलाते हैं उस कंडीशन में हमारा ये रेडिएटर फैन सिर्फ इंजन के ओवरहीट होने पे ऑन होता है। जैसे इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल होता है वापस से ये रेडिएटर फैन बंद हो जाता है, और फिर जब इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वापस से ये फैन ऑन हो जाता है, तो और फिर टेम्परेचर नॉर्मल होते ही ये फैन बंद हो जाता है। और जब हम अपने गाड़ी को एसी को ऑन करके चलाते हैं उस कंडीशन में ये फैन लगातार चलता ही रहता है। दोस्तों, आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है और आपको ये चेक करना है कि आपका जो रेडिएटर फैन है वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं। उसके लिए आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है और एसी को ऑन करना है, और बोनट खोल के आपको ये चेक करना है कि ये फैन हमारा घूम रहे हैं नहीं, क्योंकि एसी ऑन होते ही हमारा ये फैन ऑन हो जाता है। एसी ऑन होते ही आपका अगर फैन काम नहीं करता है तो फैन को आपको किसी भारी चीज़ से ठोक के देखना है। जैसे मेरे पास ये आई है, इसी आई से हम रेडिएटर फैन का जो मोटर है उस मोटर को ठोक के देखेंगे। अगर फैन मोटर को ठोकने से अगर आपका फैन चलने लगता है तो आपका फैन का जो कार्बन है वो कार्बन खत्म हो चुका है। इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फैन मोटर को चेंज करा ले। अगर ठोकने से भी हमारा फ़ैन ऑन नहीं होता है उसके बाद हमें फ़ैन में जो कपलर जाता है उस कपलर को खोल लेना, और दोनों वायर में हमको ये चेक करना है कि हमारा मेन करंट और अर्थ करंट आ रहा है या नहीं। दोनों पिन में से एक पिन में हमारा अर्थ करंट आता है। अर्थ करंट जब गाड़ी बंद रहता है तो भी आता है, और दूसरा पिन में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करते तो उसमें हमारा मेन करंट आता है। तो हमें टेस्लैम के हेल्प से दोनों पिन में 1x1 करके ये चेक करना है कि उसमें हमारा जो अर्थ करंट और मेन करंट आ रहा है या नहीं। तो हमारे पास ये टेस्लैम्प है, इसी टेस्लैम्प का हेल्प से हम करंट चेक करेंगे। टेस्लैम्प के एक इंड को मैंने बैटरी के मेन पे कनेक्ट कर दिया, और दूसरे इंड से हम दोनों पिन में 1x1 करके टच करेंगे, जिसमें हमारा बल्ब जलने लगा उसमें हमारा अर्थ करंट आ रहा। दोस्तों, डीसी पे चलने वाला किसी भी किस्म का बल्ब का इस्तेमाल करके आप करंट चेक कर सकते हैं। तो अर्थ करंट चेक करने के लिए हमें टेस्लैम्प का एक इंड को बैटरी के मेन में कनेक्ट करके रखना है, और टेस्लैम के दूसरे एंड को हमें दोनों पिन में टच करना है, जिसमें हमारा बल्ब जलने लगे उसमें आप समझिए हमारा अर्थ करंट आ रहा है। इसके बाद हम मेन करंट को चेक करेंगे। मेन करंट को चेक करने के लिए हमें गाड़ी को स्टार्ट करके एसी को ऑन कर देना है, जैसे मैंने इस गाड़ी का एसी को ऑन कर दिया। इसके बाद टेस्लैम का एक इंड को हमें बैटरी के अर्थ पर कनेक्ट कर देना, और दूसरा पिन को इस जैक का एक पिन में टच करना है, जिसमें हमारा अर्थ आ रहा था उसको छोड़ के दूसरा पिन में टच करना है। दूसरे पिन में भी आपका अगर मेन करंट आता है उसके बावजूद भी फैन नहीं चलता है तो आप समझिए आपका जो फैन मोटर है वो खराब हो चुका है। जब फैन मोटर का कार्बन घिसा के छोटा हो जाता है और आर्मेचर के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता है, उस कंडीशन में हमारा फैन मोटर में करंट आने का बावजूद भी हमारा फैन काम नहीं करता है। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके गाड़ी में भी आता है तो आप अपने फैन मोटर को चेंज करा ले, आपका फैन नहीं चलने का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आपका फैन मोटर के वायर में मेन करंट नहीं आता उस कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर रेडिएटर फैन के वायर में मेन करंट नहीं आता उस कंडीशन में हमें फ्यूज बॉक्स को खोल के हमारा जो रेडिएटर फैन का जो फ्यूज है उस फ्यूज का लोकेशन पता करना, और उस फ्यूज को चेक करना कि हमारा जो फ्यूज है वो ठीक है या नहीं। तो RDTR ये हमारा रेडिएटर का फ्यूज है, इस फ्यूज को चेक करना है। उसके बाद हम इसके रिले को भी चेक करेंगे। तो नीचे जो देख सकते हो दोस्तों, RDTR वो हमारा रिले का लोकेशन है। तो इसमें जो लाइन से जो फ्यूज है उसमें हमारा 5वां नंबर पे जो फ्यूज 30 एम्पेयर का है वो हमारा रेडिएटर फैन का फ्यूज है। अगर आपको ये 30 एम्पेयर का फ्यूज कटा हुआ मिलता है तो आपको इस फ्यूज के साथ रेडिएटर फैन का जो मोटर है उस मोटर को भी चेंज कराना है, क्योंकि जब रेडिएटर फैन का जो मोटर है मोटर शॉर्ट हो जाता है तभी हमारा ये 30 एम्पेयर का फ्यूज कटता है। तो फ्यूज़ के साथ साथ आपको मोटर को भी चेंज करना होता है। अगर आपका फ्यूज़ ठीक है उसके बाद आपको रेडिएटर फैन का जो रिले होता है उस रिले को चेक करना होता है। दोस्तों, इस गाड़ी में अब जो पहला नंबर पे जो आप रिले देख सकते हैं डेंसो का, उसमें पहला नंबर पे जो रिले वो हमारा रेडिएटर फैन का रिले, उस रिले को चेक करना है। रेडिएटर फैन में जो करंट जाता है वो डायरेक्ट नहीं जाता, फ्यूज़ और रिले से होके जाता है, तो आपको इस रिले को भी ज़रूर चेक करना है। रिले चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रिले को आपस में इंटरचेंज करा लें, मतलब हॉर्न का रिले को निकाल के आप रेडिएटर फैन का रिले का जगह लगा दे और रेडिएटर फैन का जो रिले है उसको हॉर्न का जगह ले, तो आपस में इंटरचेंज करके आप चेक कर सकते हैं। रिले में 4 पिन होता है, 4 पिन में से जो 2 पिन होता है वो इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, और बाकी जो 2 पिन होता है इस रिले को ऑन करने के लिए होता है। जब ये रिले ऑन होता है उसी वक्त हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों आपस में मिलता है। तो इसमें जो 2 पिन जो कॉपर का रंग का जो 2 पिन है वो इनपुट और आउटपुट के लिए, 30 नंबर और 87 नंबर वो इनपुट आउटपुट के लिए, और बाकी जो 2 पिन है वो इस रिले को ऑन करने के लिए। उसमें 85 नंबर पिन में हमारा इग्निशन स्विच से मेन करंट आता है, और दूसरा पिन में हमारा ये ECM, इस ECM से होकर दूसरा पिन में हमारा 86 नंबर जो पिन है
उस 86 नंबर पिन में हमारा इससे अर्थ करंट जाता है और इसी हम रेडिएटर फैन का रिले को उसी वक्त ऑन करता है जब हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से सिग्नल ECM को जाता है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमारा इंजन के एल्बो के ऊपर माउंट किया होता है। इसी टेम्परेचर सेंसर से जब सिग्नल हमारा ECM को जाता है तभी हमारा ECM रेडिएटर फैन का जो रिले है उस रिले को ऑन करता है और हमारा फैन काम करने लगता है। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो भी हमारा फैन काम नहीं करता है, तो आपको इस सेंसर को भी जरूर चेक करना। दोस्तों जो नीचे आप जो देख सकते हैं, नीचे जो कपलर है यही हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का कपलर है। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है और ECM को सिग्नल नहीं जाता तो भी हमारा फैन नहीं चला। दोस्तों फैन नहीं चलने के जो जो कारण मैंने इस वीडियो में बताया है उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण जिससे हमारा फैन काम नहीं करता है, जैसे ECM खराब हो जाता है तो भी हमारा फैन काम नहीं करता है। लेकिन मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही सब प्रॉब्लम को कवर किया है जिसमें जो हमारा ज़्यादा कॉमन है, कॉमन प्रॉब्लम को ही हम सिर्फ कवर किए और जो रियर केस में जो प्रॉब्लम आता है उसको हम कवर नहीं किए। तो ये थी दोस्तों हमारी पूरी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।